ओम श्री गणेश नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब? आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन, यानी कि कुंभ राशि के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि ये हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। ये जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट फॉर ऑल द एक्वेरियस। और आपकी लव लाइफ की पहले बात कर लेते हैं, फिर बात करेंगे करियर की, एंड इन द एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वी विल पुल सम कार्ड्स फॉर गाइडेंस। ओके एक्वेरियस, आई थिंक स्ट्रगलिंग, इट्स अबाउट स्ट्रगल पीरियड। थोड़ा सा स्ट्रगल चल रही है मुझे लगता है यहाँ पे। किसी को मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। आई थिंक यू आर मिसिंग समबडी। ओके, और ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं और कोई स्पेशल संबंध हो सकते हैं, बट येस ऑफकोर्स यू आर मिसिंग एंड मे बी रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं। ऑन द अदर हैंड योर पार्टनर, दे आर अनडिसाइडेड, दे आर अनश्योर मे बी कि उनको आपसे बात करना चाहिए या उनको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं, या हो सकता है कि टाइम ले रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन टाइम ले रहे हैं और अपने में गुम है, ये चीज़ बिकॉज अनडिसाइडेड वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। ओके, कि क्या करें, थोड़ा लाइक जैसे कहते हैं ना कि स्टेप फॉरवर्ड करना फिर पीछे हट जाना, स्टेप फॉरवर्ड करना फिर पीछे हट जाना, वो वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। तो क्या होगा इनका नेक्स्ट मूव? ओके, इट्स अबाउट, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई न्यू पर्सन भी आ सकता है एक्वेरियस की लाइफ में। यहाँ न्यू एनर्जी भी दिखाई दे रही है, या हो सकता है आप लोगों के बीच में कुछ पिकअप कर सकता है, रीस्टार्ट हो सकता है, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। ओके, शायद हो सकता है ये पर्सन ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना कर पाए, तो वो वाली एनर्जी आ रही है। लाइक यू नो, लाइक कोई पर्सन हो सकता है आपके अराउंड जो ज़्यादा टाइम तक होल्ड ना कर पाए। इस पर्सन की इंटेंशन क्या है? आई थिंक दे आर स्टक, हैंगमैन एनर्जी है। सो मे बी इट्स अबाउट लाइक दे आर टोटली कन्फ्यूज, वो खुद ही परेशान है। ठीक है, कि फियरफुल है, कोई स्टेप ले कि नहीं ले, क्या करें क्या नहीं करें, तो वो वाली एनर्जी हमें एक्वेरियस के पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। एंड आउटकम सीम्स टू बी समबडी रिटर्निंग फ्रॉम द पास्ट। येस ऑफकोर्स, कुछ के लिए अगर आप पास्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं दैन समबडी कैन रिटर्न टू यू। और रही बात जो लोग सिंगल एक्वेरियस हैं, आई थिंक ये तो आपके खुद के ऊपर है। ठीक है, हो सकता है कि कोई रीच आउट करना चाहे, लेकिन आप खुद ही अभी यू नो अपने आप को स्टक रख रहे हैं, खुद ही अब आप समझ नहीं पा रहे क्या करें, तो वो वाली एनर्जी है जो लोग टोटली सिंगल हैं। और सो इट्स अबाउट यू। ठीक है, बिकॉज यू आर, आई थिंक यू आर कैरिंग पास्ट बर्डन, अभी भी पास्ट बर्डन कैरी कर रहे हैं, तो इस वजह से आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ओके, चलिए करियर कैसा रहेगा फॉर ऑल द एक्वेरियस करियर वाइज, ये जो हफ्ता है आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा? चेंज इज कमिंग, यस ऑफ कोर्स, ब्यूटीफुल चेंज कमिंग। दो ऐसा लग रहा है कि यस कोई चेंज आ सकता है, मे बी आंसर्ड प्रेयर्स, और हो सकता है आपने इसके लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट्स पुट किए हैं। ठीक है, तो आपके काम में मुझे ऐसा लगता है कॉम्पिटिशन बहुत है। इट्स अबाउट दैट, लाइक जो भी काम है, लाइक यू नो इसमें कॉम्पिटिशन है, बट आई थिंक अ न्यू अपॉर्चुनिटी, अ गुड अपॉर्चुनिटी वेटिंग फॉर यू, या कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है। डेफिनेटली क्वेरियस के लिए कोई नया प्रोजेक्ट हो सकता है जो इस हफ्ते आ सकता है, बट येस यू हैव टू फेस चैलेंजेस। वी आर गेटिंग दैट फाइव ऑफ सोल्स एनर्जी, सो ये चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं, बट आई थिंक फाइनली इट विल बी। तो हो सकता है इस हफ्ते नहीं हो, नेक्स्ट वीक हो जाए, कुछ ऐसा हो सकता है। यू नो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी आ रही है, सो मे बी समथिंग गुड हो सकता है कि ये आपके भले के लिए हो, आपके अच्छे के लिए हो। या मतलब मान लो कुछ चीज़ डिले हो रही है, या कुछ चेंजेस आ रहे हैं, या किसी ने मान लो कोई वर्क प्लेस पर आपको तंग कर रहा है और उनकी वजह से आप कुछ स्टेप फॉरवर्ड कर रहे हैं, एंड अल्टीमेटली इट टर्न्स इनटू योर फेवर, आपके फेवर में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। सो ऑल इन ऑल ये एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। लेट अस पुल सम मोर कार्ड्स, ये जो हफ्ता है एक्वेरियस के लिए कैसा रह सकता है। ओके, इट्स अबाउट अटैचमेंट। पहले तो मुझे यहाँ पे यस डेफिनेटली अ चेंज, ठीक है, वो रिलेशनशिप में भी हो सकता है, करियर में भी हो सकता है, पहली बात तो ये। दूसरा ये पास्ट, समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, कोई हो सकता है रिसर्फेस, पास्ट कनेक्शन रिसर्फेस कर सकता है। कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट लाइक मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है, कि ये हफ्ता डिसीजन मेकिंग के लिए हो सकता है कि इधर जाए कि उधर जाए, सो यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, तो उस पर मतलब डिसीजन
आपका जो आगे जो फ्यूचर होगा वो उस पर टिका हुआ होगा। सो ऑल इन ऑल ये सारी एनर्जी हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई दे रही है फॉर द कमिंग वीक। मे बी चेंजेस और सम सॉर्ट ऑफ लाइक यू नो यू आर लुकिंग फॉर अप्रिसिएशन ऑल्सो। ओके, और शायद हो सकता है, और मे बी इट्स अबाउट कि जितना ज़्यादा आप अप्रिशिएट करते हैं, जितना ज़्यादा आप ग्रैटिट्यूड पे करते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए ये अच्छा वीक साबित हो सकता है, उतनी ज़्यादा आपको ब्लेसिंग। सो कंप्लेंट थोड़ी कम कीजिए और ग्रैटिट्यूड ज़्यादा पे कीजिए, तो ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, कंप्लेंट करना आपको हेल्प नहीं करेगा। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग। ओके, अब हम गाइडेंस देखते हैं। व्हाट्स द गाइडेंस फॉर ऑल द एक्वेरियस? क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द एक्वेरियस? प्लीज एंजल्स हमें बताइए। बी क्रिएटिव। ओके एक्वेरियस, इट्स अबाउट यू आर अ क्रिएटिव पर्सन। ठीक है, और बहुत आपके अंदर काबिलियत है टू मूव फॉरवर्ड इन लाइफ, और आप बहुत लाइक स्किल्ड पर्सन है। लाइक जो भी आप अपना काम करते हैं या वट एवर यू आर लाइक अ गुड वन। ठीक है, कुछ भी करते हैं, मतलब हाउस वाइफ हैं, टीचर हैं, हीलर हैं, एनी थिंग, और मे बी एनी वर्क यू डू, आई थिंक यू हैव दैट। तो अपने अंदर वो क्रिएटिविटी को जगाइए। ठीक है, डोंट बी इन दैट लो जोन, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, इट्स अबाउट लाइक यू नो कमिंग इन टू दैट एनर्जी, टैपिंग इन टू दैट एनर्जी, उस एनर्जी में टैप इन करना। ठीक है ना, कि मतलब आपके भले के लिए जो भी है आपके भले के लिए होगा, दैट काइंड ऑफ अ थिंग। वी आर दैट गेटिंग दैट द क्रिएटर द मास्टर यू नो। तो इसका मतलब ये, इसका मतलब क्या हुआ कि पहली बात तो ये कि जब चीज़ें स्लो चल रही होती हैं, ठीक है, या लोग आपको चीट करते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि समथिंग इज़ नॉट यू नो गोइंग इन योर फेवर, सब चीज़ें मतलब गोल गोल घूम रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, तो उस तब ये मान लीजिए कि समथिंग उस साइलेंस में भी कुछ आपके लिए अच्छा हो रहा है। भगवान आपके लिए कुछ अच्छा यू नो रेडी कर रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट गॉड हैज़ डिफरेंट प्लान। तो वो चीज़ हमें एक्वेरियस के लिए दिखाई देती है, दैट देयर इज मे बी अ डिफरेंट प्लान गोइंग ऑन भगवान की तरफ से आपके लिए। आपने बस क्या करना है, आपने रिसेप्टिव रहना है, आपने क्रिएटिविटी अपनी दिखानी है। ठीक है, क्रिएटिव रहना है। ठीक है, डोंट क्लोज योर सेल्फ। और फिर इट्स अबाउट शेडिंग ऑफ ओल्ड लेयर। ठीक है, उसमें तकलीफ होती है, बट जब नेक्स्ट लेवल पे पहुंचना होता है, सो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम पीपल। तब जो नेगेटिव लोग होते हैं, या जो जो भी लोग होते हैं जो आपकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, वो पीछे छूट जाते हैं। ये मान के चलिए कि इफ़ लाइक यू आर इन टू अ डायरेक्शन और आपको लगता है तो कोई बात नहीं, मे बी दिस कनेक्शन वॉज नॉट फॉर यू, या मे बी हो सकता है कि कुछ चीज़ें थी जो आपके लिए अच्छी नहीं थी, तो जाने दीजिए उसको। ठीक है, गोल 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 घूमने से अच्छा है, इट्स बेटर दैट यू फाइंड अ राइट पाथ, यू फाइंड अ राइट वे, आई थिंक वो ज़्यादा बेटर है। सो दिस इज़ वट वी आर गेटिंग फॉर ऑल द एक्वेरियस पीपल, और इट्स अ ब्यूटिफुल एनर्जी। ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई एम सो सॉरी, कुछ दिन से आपने नोटिस किया होगा कुछ गला थोड़ा सा, यू नो, सो इट्स ओके, इट हैपन्स ऑल द टाइम, कुछ नहीं होता। सो आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी आज की रीडिंग, और आई होप ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहे, और मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम विद अनदर ब्यूटिफुल रीडिंग। और टिल देन टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।